नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट के तहत गृह विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ किस प्रकार हम लोग प्रथम अपील दायर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा इसे इतना शेयर करेंगे कि हर भारतीय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किसी भी विभाग में प्रथम अपील किस प्रकार कर सकते हैं। प्रथम अपील हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 6 सेवा में प्रथम अपीलीय प्राधिकार गृह विभाग बिहार सरकार पटना। महाशय, चूंकि मुझे सौसमय वांछित सूचनाएं नहीं दी गई, इस कारण मैं क्षुब्ध हूं। यह अपील आपके समक्ष दायर करता हूं। मेरे आवेदन का विवरण इस प्रकार है। पहला, अपीलकर्ता का नाम, अपना नाम लिखेंगे, अपीलकर्ता का पूरा पता लिखेंगे अपना, जो अपील कर रहे हैं पिन कोड सहित, लोक सूचना पदाधिकारी का नाम लोक सूचना पदाधिकारी ही लिख देंगे, पता गृह विभाग बिहार सरकार पटना, जिस भी विभाग की आप शिकायत कर रहे हैं उस विभाग का नाम लिख देंगे। प्रपत्र क में आवेदन समर्पित करने की तिथि 1/10/2022 पाँचवा है। सूचना का ब्यौरा दिनांक 1/11/2019 से दिनांक 31/12/2020 के बीच जिला मधेपुरा अंतर्गत सहायक थाना रतवारा आलमनगर के लोक सूचना पदाधिकारी सह थाना प्रभारी, जो अब सेवाकाल समाप्त कर चुके हैं, उनका निवास स्थान, घर का पता, पिन सहित चाहता हूं, या ऐसे प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए जिसमें उनके निवास स्थान, घर का पूरा पिन कोड सहित पता उपलब्ध हो। छठा, अपील का कारण, मुझे RTI एक्ट 2005 के तहत वांछित सूचनाएँ 30 दिनों के अंदर प्रदान नहीं की गई है, केवल ज्ञापांक 4 दिनांक 9/11/22 से प्रपत्र को विलंब से हस्तांतरित करने की सूचना प्रदान किया गया है, अब तक वांछित सूचनाएं प्रदान नहीं की गई है। साथ में अपील दायर करने की अंतिम तिथि 1/12/2022 8 में प्रार्थना विलंब के लिए दोषी पर कार्रवाई करते हुए वांछित सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड सहित पूर्ण पता भी यहां लिख सकते हैं। यदि आपका वर्तमान पता कहीं और हो तो या पत्राचार का पता लिख सकते हैं, स्थान दिनांक दे देंगे। अनुलग्नक में प्रपत्र को द्वारा जो आपने आवेदन किया था उसकी प्रति, डाक रसीद की प्रति, शुल्क की प्रति, या जो उपलब्ध कराया गया है लोक सूचना पदाधिकारी उसकी प्रति संलग्न कर अवश्य प्रथम अपील हेतु दायर करेंगे, जिससे लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ RTI एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वांछित सूचनाएं शीघ्र प्रदान करवाया जा सके। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे आशा है आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करते हुए कुछ सीख समझकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अवश्य लड़ने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगेंस्ट करप्शन, मस्ट यूज RTI और हेल्थ इज वेल्थ। आप सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर अनेक वीडियो इस चैनल पे बने हुए हैं, RTI से संबंधित, लोक आयुक्त से संबंधित, लोक शिकायत से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। इसलिए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सपोर्ट करेंगे तथा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय हिंद।